आज सबका ही जन्मदिन है, बाबा का तो है ही आज सबका जन्मदिन। आज नया दिन स्टार्ट है, आज से नया दिन स्टार्ट हुआ। हाँ बिल्कुल। अब बाबा साहब ने ऐसा क्या काम करा कि आज वो आप सबका जन्मदिन बता रहे हैं? बाबा साहब ने, हम बिल्कुल गिरे हुए थे, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया बाबा साहब ने, मैं बता नहीं सकती, उनका कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छी बात की। देखो जब बाबा साहब की बात आती है आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, और कहा जाता है कि बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब ने वो काम किए जो हम नीचे थे, हम ऊपर उठकर आए हैं, हमारे बीच में मेरे फादर हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो क्या नाम है आपका? चारलाल। चारलाल, कितनी उम्र है आपकी? 81। 81। आपने क्या बाबा साहब को देखा था? बिल्कुल देखा था। बाबा साहब को आपने कहाँ देखा था? अलीपुर रोड में, बंगले में, जो अभी जो नया, हाँ नया पुराना ही है, जहाँ पर उनकी अंतिम सांस ली गई थी, छब्बीस अलीपुर रोड पे। हाँ छब्बीस अलीपुर। तो बाबा साहब के साथ कभी आपका वार्तालाप हुआ? वार्तालाप देख देना जरा। हाँ। वो जवान थे, बच्चे थे, लेकिन हमने उनको नजदीक से भी देखा है, उनके उसमें भी गए हैं, उसमें भी गए हैं। नहीं, हम अपने घर पर थे, लेकिन पहुंच गए थे। तो बाबा साहब ने जो काम करे हैं, जो एक दो कामों को गिनाएंगे आप? हाँ गिनाएंगे। अगर ऐसी रूल लागू ना करते और ना विधान बनाते, तो हमारा आप यहाँ ही सड़क के ऊपर थोड़ी होते, जन्म बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल मिटके में ले जाते। उनकी दर्ण है जो आज ये पब्लिक घूम रही है बाबा साहब की, उन्होंने बहुत कुछ किया है, संघर्ष किया है, और अभी इन्होंने जो किया उल्लंघन हमने किया, ये गलत करा इन्होंने, वो आएगा, विधान को मोड़ नहीं सकते इनके कोई भी, चाहे कोई फरमान दे, लेकिन उनके उसको मोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छी बात। अभी प्यारे लाल जी ने बताया कि जो 81 साल के हैं, उन्होंने कहा है बाबा साहब को बड़े अच्छे ढंग से देखा है, बाबा साहब को देखा है, सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भारत का संविधान रचा था, उनका उनको देखा, उनके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला। अंतिम समय में जब बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पर अंतिम सांस ली, उसके बाद प्यारे लाल जी वहाँ गए और बाबा साहब के दर्शन किए। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज त्रिपाठी।